बहरोड क्षेत्र के निम्भोर गांव में पेयजल संकट के चलते लोगों को रात भर जागकर पानी भरना पड़ता है। क्षेत्र के गांव निम्भोर में कई महीनों से पेयजल की समस्या बरकरार है, जिसका कोई समाधान ग्राम पंचायत और प्रशासन अब तक नहीं कर पाया। ग्रामवासियों ने पेयजल आपूर्ति के लिए कई बार पंचायत को अवगत भी कराया, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। ग्रामवासियों ने बताया कि आधी रात को पानी आता है, जब यहां भारी भीड़ हो जाती है और धक्का मुक्की और अशांति का माहौल हो जाता है, और यहां एक टंकी मुख्य स्टेट हाईवे पर लगी होने के कारण कोई अनहोनी होने का अंदेशा भी बना रहता है। इस क्षेत्र का एकमात्र गुर्जर जाति का गांव है, जिसका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। इन पशुओं के लिए इस भीषण गर्मी में पानी की व्यवस्था करना मुश्किल हो गया है। ग्रामवासी रामकिशन न्याल सिंह, विक्की गुर्जर, पवन शर्मा, मोनू, रोशनी देवी, सुमन देवी, भरपाई देवी और अनीता और सुनीता आदि ने पेयजल की व्यवस्था की मांग की है। गांव में पानी की भारी समस्या चल रही है और एक ही टंकी है, यहाँ पर पूरा गांव पानी भरता है। 200-250 घरों की बस्ती है, सब लोग परेशान रहते हैं। रात को सो भी ठीक से पाते नहीं है, रात को जागते हैं और उसके बाद स्त्रियाँ तो ठीक से काम भी नहीं कर पाती, पूरी नींद भी नहीं हो पाती है। फिर रातों को पानी के चक्कर में लगी रहती है और झगड़ा होता रहता है आपस में। गाँव का जो शांति है वो भंग हो रही है, इसको लेकर आपस में झगड़ती रहती है। इसलिए निवेदन है कि इसकी समस्या का जल्दी से जल्दी सोल्यूशन निकाला जाए, नहीं